दोस्तों अनबॉक्सिंग वीडियोस जनरली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होती है, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेटली होने वाला नहीं है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मैंने 8 अगस्त को आईफोन XR ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। मेरे पास 50,000 रुपीज़ का बजट था एक डिवाइस परचेस करने के लिए और मुझे पबजी खेलने के लिए एक अच्छा वाला डिवाइस चाहिए था, लेकिन कोरोना स्पेशल डिलीवरी रेस्ट्रिक्शंस के वजह से मेरे स्टेट में मैंने ऑलमोस्ट 9 डेज वेट किया इस डिवाइस के लिए, लेकिन शिपिंग तो दूर की बात, मेरा आईफोन XR पैकिंग और डिस्पैच तक नहीं हुआ था। तो मैंने कहा छोड़ो यार, वन प्लस 8 खरीद लेता हूँ तो थोड़ा परफॉर्मेंस तो कम देखने को मिल जाएगा लेकिन थोड़े पैसे भी बच जाएंगे। तो मैंने 17 अगस्त को वन प्लस 8 ऑर्डर कर लिया फ्लिपकार्ट से। तो यहाँ पे वन प्लस 8 तो ठीक ठाक वे में ही आ रहा था, लेकिन ऑर्डर करने के एक दो दिन बाद मेरा दिमाग खुला और मैंने अपने आप से पूछा कि भाई जब तुझे आईफोन ही परचेस करना था तो तूने एंड्रॉयड क्यों परचेस किया, वो भी ऑलमोस्ट आईफोन के प्राइस में। और मैंने अपने आप को सॉरी बोल के वन प्लस 8 भी कैंसिल कर दिया। अभी मेरा प्लान था कि आईफोन 12 सीरीज लॉन्च होने का वेट करते हैं, तो उसके बाद शायद XR का प्राइस और ज्यादा कम हो जाएगा तो उसके बाद आराम से XR को परचेस करेंगे। लेकिन कहते हैं ना, जो आपके किस्मत में लिखा होता है वही होता है आपके साथ। तो इसी दौरान मेरे कॉलेज से अचानक से नोटिस आया कि आपको आपका कॉलेज फीस अभी पे करना होगा वरना आप नेक्स्ट सेमिस्टर में एडमिट नहीं हो पाओगे। तो मैंने अपने डिवाइस परचेस करने के बजट से 20,000 दे दिया अपने कॉलेज फीस के अंदर, कंट्रीब्यूट कर दिया बेसिकली। उसके बाद मेरे पास बचा था बस 30,000 रुपीज़। तो अभी तो रास्ता क्लियर था कि 30,000 रुपीज़ के अंदर ही कुछ परचेस करना है पबजी खेलने के लिए बेस्ट वाला। तो यहाँ पे एक ही डिवाइस था जो मेरे नज़र में था और आपके नज़र में भी होगा, वो था ये वाला Realme X2 Pro। मैंने इस डिवाइस को 2 सितंबर को ऑर्डर किया और 10 सितंबर को ये मेरे घर पे डिलीवर हुआ। वैसे तो ये डिवाइस कहीं से भी बुरा नहीं है प्राइस रेंज को अगर हम कंसीडर करें, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि स्मार्टफोन्स के अंदर सबसे ऊपर और सबसे पावरफुल वाला आता है एप्पल, जो कि iOS के साथ आता है। उसके बाद मैं कंसीडर करता हूँ OnePlus को, जो कि एंड्रॉयड के अंदर ऑक्सीजन OS लेके आता है। Realme और MI डिवाइसेस के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के अंदर मैं प्रेफर करता हूँ Realme के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को, जो कि Realme डिवाइसेस के अंदर Realme UI आता है। उसके बाद MI, OPPO, VIVO जो भी सारे आते हैं वो उसके नीचे ही आते हैं। तो अभी जो सवाल उठता है कि क्या आप Realme X2 Pro परचेस कर सकते हैं आज के तारीख में अगर आपको 30,000 रुपीज़ के अंदर एक बेस्ट परफॉर्मर चाहिए। लेकिन वो देखने से पहले सबसे पहले आप इस डिवाइस की जो खूबसूरती है वो बाहर से थोड़ा सा देख लीजिए। बॉक्स के अंदर आपको USB टाइप सी डेटा केबल मिलता है Realme स्टाइल में, जो कि अंदर से येलो कलर का आता है। चार्जर आपको इस स्मार्टफोन के साथ 50 वाट का सुपर वूक चार्जर मिलता है 100% इन 35 मिनट्स वाला। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको पबजी खेल के दिखाता हूँ, टेम्परेचर शो करता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपना जो कंक्लूशन है वो बताऊंगा। सबसे पहली बात, एंड्रॉयड के अंदर जो खास बात होती है वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन के अंदर, जो कि है कि आपको फीचर्स तो भर भर के मिलते हैं। तो पबजी के ग्राफिक सेटिंग्स के अंदर अगर आप देखें तो आपको सब कुछ, लिटरली सब कुछ अनलॉक मिलता है। 90 FPS से लेकर अल्ट्रा HD ग्राफिक्स तक सब कुछ आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक बात है पबजी खेलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो पबजी तो इंडिया के अंदर फिलहाल के लिए बैंड है, लेकिन मैंने इसको पबजी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की APK फाइल, तो आप इसको डाउनलोड करके खेल सकते हैं। सर्वर जो है वो अभी भी इंडिया के अंदर एक्टिव है और बहुत ही जल्द होपफुली पबजी प्ले स्टोर के अंदर भी अवेलेबल हो जाएगा। तो जहाँ तक बात इस डिवाइस के अंदर पबजी परफॉर्मेंस की, वो मैं आप सबको अभी कुछ फाइनल कंक्लूशन नहीं दूंगा, क्योंकि अभी जो ये पबजी का नया अपडेट आया है ये फुल्ली स्टेबल नहीं है। तो मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ कॉन्टेक्ट किया तो उन लोगों ने भी यही कन्फर्म किया कि जितना भी अच्छा स्मार्टफोन के साथ आप खेल लो, iOS की बात नहीं कर रहा हूँ, एंड्रॉयड के अंदर जितना भी अच्छा स्मार्टफोन के साथ आप खेल लो, आपको इस गेम के अंदर बग देखने को मिल जाएगा। यानी कि जब आप खेलेंगे, अगर आप 90 FPS के अंदर भी खेलते हैं तो आपको कुछ ग्लीचेस, कुछ फ्रेम ड्रॉप्स नहीं बोलूँगा, लेकिन जो गेम है वो थोड़ा सा अटक अटक के चलता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो गेम है वो लैग कर रहा है आपके डिवाइस के अंदर। तो एक्चुअली आपके डिवाइस का फॉल्ट नहीं है, ये गेम का फॉल्ट है जो कि अभी तक फुल्ली स्टेबल हुआ नहीं है। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि Poco F1 जो मैं पहले यूज़ करता था, अभी भी मेरे पास वो डिवाइस है, उसके अंदर थोड़ा बहुत
टच इश्यूज़ है, यानी कि टच उतना रेस्पॉन्सिव नहीं है और कभी कभी टच के वजह से मैं मिस क्लिक भी कर देता हूँ। लेकिन इस डिवाइस के अंदर ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा। टच की जो क्वालिटी है वो काफ़ी एक्यूरेट है और गेमिंग करने के टाइम टच की क्वालिटी और जो रेस्पॉन्सिवनेस है वो एक्यूरेट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक गेमर ही इसको समझ पाएगा। तो अभी कुछ देर पबजी खेलने के बाद आप टेम्परेचर रीडिंग्स देख लीजिए और थोड़ा सा गर्म है लेकिन उतना ओवरहीटिंग का कुछ भी मेजर इशू नहीं आया। तो टेम्परेचर आप देख लीजिए, अभी मैं जो फ़ैन है, फ़ैन तो पहले से ही ऑन था, खैर मैं जो इसका बैक कवर है उसको ओपन करूँगा और थोड़ी देर और पबजी खेलेंगे और फिर मैं आपको जो टेम्परेचर रीडिंग्स है वो दोबारा दिखाऊँगा। तो यहाँ पे 10-15 मिनट और पबजी खेलने के बाद जहाँ तक बात है टेम्परेचर की, टेम्परेचर के अंदर थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला क्योंकि मैंने बैक कवर को ओपन करके खेला और बैक कवर ओपन करके खेलने से जो फ़ैन का हवा है वो ज़्यादा इसके अंदर आ पाया और इसीलिए स्मार्टफोन पहले से ज़्यादा ठंडा है। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि फ़ैन या फिर एसी जो भी आपके पास है वो ऑन करके खेलिए और बैक कवर खोल के खेलिए, तो आपके डिवाइस के लिए अच्छा होगा। तो गाइज़ यहाँ पे कंक्लूशन क्या है और क्या आपको ये डिवाइस जो कि Realme X2 Pro है आज के तारीख में परफॉर्मेंस के लिए, गेमिंग के लिए, पबजी के लिए, कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए, जो भी आप खेलना चाहते हो उसके लिए परचेस करना चाहिए कि नहीं? इस स्मार्टफोन के अंदर जो हार्डवेयर है टॉप नॉच है, स्नैपड्रैगन 855+, और उसके साथ साथ आपको UFS 3 का स्टोरेज मिलता है। खैर ये 8GB 128GB जिसके अंदर UFS 3 का स्टोरेज आता है वो वाला मैंने परचेस किया। उसके साथ साथ आपको 8GB का रैम भी मिलता है। इस स्मार्टफोन के अंदर ओवरऑल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मिलन से जो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है वो मैं आपको बोलूंगा कि मैं सेटिस्फाइड हूँ और इस प्राइस रेंज के अंदर मैं इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करता भी नहीं हूँ। सो बस दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ख़त्म करते हैं और इस स्मार्टफोन को ओवरऑल मैं आपको रिकमेंड करूँगा और मैंने जैसा सोचा था वैसा ये स्मार्टफोन परफॉर्म कर रहा है और 30,000 रुपीज़ के अंदर मैं सेटिस्फाइड हूँ इस स्मार्टफोन से। और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसको 30,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके परचेस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड मैं आपसे मिलता हूँ इस स्मार्टफोन की और भी कुछ टेस्टिंग वीडियोज़ के साथ कुछ दिनों में।